दोस्तों नमस्कार, मैं रामू सिंह। क्या होगा डब्बू कांग्रेस का? कांग्रेस ने फिर एक बार नई अघोषित पार्टी बना ली है। प्रदेश में कमलनाथ कांग्रेस, सतना में डब्बू कांग्रेस। कांग्रेसी किसी भी नेता की सिफारिश पर किसी पार्षद तक को टिकट नहीं मिला है। पूरे 45 वार्डों में डब्बू कुशवाहा घूम घूम कर प्रत्याशी तलाशे हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या डब्बू अपने दम पर महापौर का चुनाव जीत पाएंगे? कांग्रेस के नाम पर उनके साथ मकसूद अहमद खड़े दिख रहे हैं। शायद दो वार्डों के पार्षद टिकट मकसूद के कहने पर दिए गए हैं, इसलिए एक मकसूद पुत्र आमिर और निजामुद्दीन काजू को। डब्बू ने पार्षद टिकट वितरण कुछ इस अंदाज में किए हैं कि उन्हें पार्षदों की मदद मिलेगी और वह महापौर का चुनाव जीत जाएंगे। जैसे डब्बू ने 5 मुस्लिम और 3 सिंधी प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं, जबकि सिंधी अधिकांशता भाजपा समर्थक होने के बावजूद भाजपा ने सिर्फ एक ही सिंधी को टिकट दिया है और एक मुस्लिम को। भाजपा ने सिंधी युवा भी 74 वर्षीय युवा को टिकट दिया है। डब्बू ने 10 ब्राह्मणों को पार्षद का टिकट दिया है तो भाजपा ने 14 ब्राह्मणों को टिकट दिया है। डब्बू ने एक भी युवक कांग्रेस की युवा नेता को पार्षद की टिकट लायक समझा ही नहीं दिया टिकट। बड़ा सवाल, क्या बिना कांग्रेस के अकेले दम पर डब्बू महापौर का चुनाव जीत लेंगे? डब्बू के साथ एक बात प्लस है, वह सतना के विधायक हैं। विधायक बने 4 साल हो गए, 1.5 साल कमलनाथ की सरकार के समय सत्ता में थे, 2.5 साल से विपक्ष में हैं। सतना की जनता डब्बू के इन 4 सालों का हिसाब भी लगा रही है। इन 4 वर्षों में डब्बू कब, कहां, कितना लोगों के साथ खड़े रहे, कितनी विकास की बातें की, कितने समस्याओं पर वह लोगों के साथ खड़े दिखे। लोग तो विधायक की कुर्सी और महापौर की कुर्सी में क्या फर्क है यह भी जानना चाह रहे हैं। लोगों को लगता है महापौर की कुर्सी ज्यादा कमाई, ज्यादा मलाई वाली मानी जाती है। क्या अकेले डब्बू महापौर का चुनाव फतह कर पाएंगे? डब्बू को सरकार यानी सत्ता यानी भाजपा के प्रत्याशी से मुकाबला करना है। विधानसभा चुनाव के समय समीकरण कुछ और थे, लोग सत्ता से नाखुश थे या यूं कहें कुर्सी से खुश नहीं थे। अब वह कुर्सी डब्बू के पास है, फिर वही सवाल 4 साल बाद सामने आ रहा है। क्या कुर्सी से यानी डब्बू से लोग खुश हैं? विधायक की कुर्सी पर बैठकर उन्होंने लोगों के दिलों को जीता है? यह चुनाव परिणाम बताएंगे।